सीए के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हिंसक हो गया। कई जगहों पर उपद्रवियों ने पथराव के साथ आगजनी भी कर डाली, तो कहीं हिंसा के दौरान फायरिंग हुई। चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन्स पर आप देखिए, ये सारी तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग जगहों से सामने आई। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दिल्ली इस वक्त जल सी रही हो। भजनपुरा में देखिए किस तरह से पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया गया। मौजपुर में पुलिस पर पथराव किया गया। खजूरी में उपद्रवियों ने पुलिस के सामने फायरिंग कर दी और चांदपुर में भी आगजनी कर डाली गई। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली में अमन चैन को किस तरीके से बर्बाद करने की कोशिश में है उपद्रवी। हाथ में पिस्तौल लिए पुलिस वाला शख्स उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन दबंगई से पुलिस को भी पीछे हटाने की कोशिश करता है। तो आग लगाने की कहीं बात हो रही है, कहीं जमकर पथराव हो रहा है। फायरिंग करता उपद्रवी तस्वीरों में कैद भी हो गया। दरअसल आज माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया और इस वजह से भी बिगड़ता हुआ नजर आया क्योंकि सीए को और सीए के खिलाफ लगातार विरोध जारी था, लेकिन सीए के समर्थन में भी लोग अब सड़कों पर उतरने शुरू हो गए हैं। और फिर दो गुटों में आपसी मतभेदों के चलते एक दूसरे पर पथराव हो गया। आज आपको बता दें कि एक हेड कांस्टेबल की जान भी इन उपद्रवियों के उत्पातों के चलते चली गई। मेरे पास एक जो हमारा पुलिस ऑफिसर है हेड कांस्टेबल रतनलाल, उसकी सुबह पत्थर लगने से डेथ हुई है। इसके अलावा एक और आपके माध्यम से मेरे को पता लगा है कि कहीं पे शायद वो पत्थर कट फेंकते हुए कोई दूसरी मंजिल से गिरा था और उसको वेरीफाई करने के बाद सर कितने डिटेन हुए अभी तक, कितने डिटेन हुए अभी तक, कितने हुए इस मामले में? अभी आप देख सकते हैं कि मैं सड़क पे हूँ और मैं हर जगह जाके हम पुलिस के साथ हम लॉ एंड ऑर्डर और पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पूरे फैक्ट्स बाद में बताएंगे।